फरीदाबाद में दिन प्रतिदिन अपराध बढ़ता जा रहा है। कभी लड़कियों को चाकू मारने की वारदात होती है तो कहीं कंपनी के अधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। आज दिन दहाड़े कार सवार बदमाशों ने कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता विकास चौधरी पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। घटना दिल्ली से सटे फरीदाबाद के सेक्टर 9 की है, जहां सुबह 9:02 पर विकास चौधरी घर से गाड़ी लेकर जिम के लिए निकले थे। जिम के बाहर गाड़ी पार्क करते समय बदमाश आए और उन्होंने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। घटनास्थल के पड़ोस में स्थित सर्वोदय अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन अस्पताल के डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पिछले कुछ दिनों में ही लूट, हत्या के प्रयास जैसी संगीन वारदातों ने फरीदाबाद पुलिस की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। सीसीटीवी में दिखाई दे रहे ये बदमाश आज फरीदाबाद के सेक्टर 9 में कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता विकास चौधरी की हत्या करने के लिए पहुंचे। विकास को रोजाना की तरह सेक्टर 9 के एशियन जिम में पहुंचना था। जैसे ही उन्होंने जिम के बाहर अपनी गाड़ी पार्क की तो पीछे से आई एक सफेद रंग की कार में सवार बदमाशों ने फ्रंट की तरफ से उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। इधर बदमाश गोलियां चला रहे थे, वहीं सीसीटीवी में यह कार वापस जाते हुए भी दिखाई दे रही है। गोलियां बरसाकर बदमाश वहां से फरार हो गए। गोलियों की आवाज सुनकर वहां पर लोग आए और वे जल्द ही विकास को पड़ोस के सर्वोदय अस्पताल में लेकर चले गए, लेकिन अस्पताल में पहुंचने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। गोलियां चलने की खबर के बाद फरीदाबाद पुलिस के उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने पूरे घटनाक्रम का जायजा लिया। डीसीपी क्राइम व डीसीपी वल्लभगढ़ राजेश कुमार की माने तो शुरुआती जांच में सिर्फ इतना ही पता चल सका है कि SX4 गाड़ी में 4 बदमाश आए थे, जिन्होंने विकास चौधरी की गोली मारकर हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है और आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अभी तो शुरुआती जाँच में ये पता लगा की चार लोग थे और उन्होंने गोलियां चलाई हैं। अभी उसमें ये पता लगा। वहीं सर्वोदय अस्पताल के CMO डॉक्टर सौरभ गहलोत की माने तो विकास चौधरी को काफी गोलियां लगी थी, इसलिए उनकी मौत हो गई। तो सुबह उनको लाया गया था, हमारे डॉक्टर ने अपनी भरपूर कोशिश करी, पूरी टीम आ गई थी, लेकिन गोलियां काफी ज्यादा थी और इस वजह से हम उनको बचा नहीं पाए। अभी हमने उनको बीके भेज दिया है। वैसे तो पोस्टमार्टम में निकल कर आएगा, लेकिन 10 से ज्यादा गोलियां हैं जो अभी हमें दी हैं, बाकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताएगा। वही घटना की जानकारी मिलने पर फरीदाबाद पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर की माने तो इस सरकार ने पूरे 5 साल अपराधियों को संरक्षण देने में ही निकाल दिए। अगर सरकार अब भी नहीं जाती तो जनता को सड़कों पर आना पड़ेगा। पिछले इस सरकार ने 5 साल इसी तरीके से निकाल दिए, अपराधियों को संरक्षण देने में, हरियाणा को जलवाने में, हरियाणा को बर्बाद करने में, और अगर अब भी नहीं जागी तो फिर जनता ने देखना है किस तरीके। वो तो जनता को सड़कों के ऊपर आना है। कोई एजेंसी इसकी जांच करे? नहीं, वो तो जो भी उपयुक्त जांच एजेंसी है उसका मैं समझता हूँ कि उसके माध्यम से सरकार को करवाना चाहिए, चाहे वो CBI हो चाहे वो प्रदेश की एजेंसीज हो। कंचन टीवी के लिए फरीदाबाद से गौरव कुमार की रिपोर्ट।